अपने फार्म वार्म भी सब खाली पड़े हुए हैं और अभी इसकी साफ सफाई मतलब धुलवाना बाकी है। और तो अभी अपन ट्रैक्टर को ले बाहर निकाल के यूरिया वूरिया रख के पंजे पे और खेत पे चलते हैं, क्योंकि अपने को पानी छोड़ना है खेत पे। और 2 और 6 बीघा का यूरिया लेके चलेंगे, 7 बोरी 8 बोरी जितना भी है पंजे पे रखा जाता है। तो चलते हैं और खड़ा हुआ है पूरा गंदा कर दिया है, देख सकते हो बिल्ली बिल्ली चढ़ गई थी इसके ऊपर और ट्राली भी इधर ही खड़ी हुई है। गए हैं अपन खेत पे, यूरिया वूरिया रख के ले आए हैं पंजे पे, 9 बोरी लेके आए हैं और इस खेत में उड़ाना है अपने को। तो एक पानी हुआ इसमें और पूरा गेहूँ है ये, अब दूसरा छोड़ेंगे। तो थैली रखते हैं यहाँ पे, कितनी 5 बीघा 6 बीघा जमीन है ये, तो 6-7 बोरी रखते हैं और फिर दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे अपन ने रख दी है थैली, 6 थैली रखी है और 3 और बची है ट्रैक्टर में, तो इनको भी लेके चलते हैं आगे वाले खेत में उड़ाएंगे। तो पानी इधर चल रहा है अपना ये वाले खेत में, तो अभी इधर इधर हो जाएगा, 3-4 सरी बची है, फिर उधर छोड़ेंगे तो इधर का काम हो जाएगा कंप्लीट। वो 6 बीघे भी हो गया है और ये 2 बीघे और 15 बीघा पूरा 2 पानी कम्प्लीट हो जाएंगे इनमें आज। और दूसरी जगह छोड़ेंगे तो अपन यूरिया लेके आए, देख सकते हो चल रही है मोटर, अभी लाइट चली गई थी वापस लाइट आ गई है, तो अभी पानी कम आ रहा है, अब बढ़ेगा धीरे धीरे। इस 3 बीघा खेत में 3 बोरी यूरिया उड़ा के कंप्लीट कर दिया है और अभी 6 बोरी और बची है, तो अभी अपन जहाँ अपनी मोटर चल रही वहाँ चलते हैं और उसके बाद उड़ाएंगे उसमें। तो देख सकते हो ये भी ऊना यूँ है और इसमें पानी हो गया है, दूसरा आप छोड़ेंगे अपन, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गए हैं अपन खेत पे ये वाले और इसमें अभी 6 बोरी और उड़ाना है अपने को, तो इधर से अपन खोलते हुए चलते हैं बोरी और उधर से उड़ाते हुए लाएंगे इसको। और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है और धूप हो रही है, 1:30 बज गई है। तो यहाँ पे यूरिया वूरिया उड़ा दिया है, सब कंप्लीट कर दिया है और अब चलते हैं घर। और धूप लग रही है और पानी भी नहीं था, अपने को पानी खत्म हो गया था, तो चलते निकलते हैं। कल शाम को अपन ने याले खेत में मोटर छोड़ दी थी, उधर हो गया था वो 2 बीघे, तो इसको भी 3-4 बीघे पिला दिया है इधर इधर पूरा वहाँ तक, और इधर भी ये पिला दिया है। और अभी इसमें चल रही है, देख सकते हो 8-10 सरी में 2 मोटर चल रही है एक साथ और बढ़िया पानी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नीचे बचा हुआ हैगा और इधर भी साइड में वहाँ तक बचा हुआ है, अब ये पा लेगी, ये ऊपर ऊपर तो बचा हुआ है ही सरी, ये अभी हो जाएगा 2-3 घंटे में। तो चलते हैं अपन, पानी वानी तो काट दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, नदी में ही जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी निकलेगा तो, बढ़िया से चल रहा है। और ज़्यादा में चलाना पड़ रहा है अपने को क्योंकि 2 मोटर है और ये ढालू खेत है थोड़ा, तो फिर रेंगाले पड़ेंगे। इधर इधर रात में ही हो गया था, अब उधर वाले ढाल में चल रहा है पानी फर्स्ट क्लास, और मोटर वहाँ आगे चल रही है, मैं बताता हूँ अभी, यहीं से ही पानी जा रहा है पाठ में, देख सकते हो ये देखो मोटर वहाँ पे चल रही है और ये यूँ घूम के ना फिर उधर जा रहा है, वहाँ नीचे भी चला जाएगा पानी। ये चल रही इतनी मोटर यहाँ पर, वैसे वहाँ से भी आ जाता है 1 मोटर का पानी, पर अगर 2 का करें तो फिर यहाँ लाना पड़ता है क्योंकि बीच में है झील, और इधर पिला दिया है अपन ने
पर गेहूँ बढ़िया हो रहा है। अभी अपन आए हैं खेत पे और अपनी मोटर यहाँ पे इस वाले खेत में चल रही है, तो अभी अपने को दूसरे खेत में पाइप करना है ताकि रात में कुछ दिक्कत नहीं आए। वहाँ पे पानी छोड़ेंगे अपन, ये शाम तक हो जाएगा, 2-4 घंटे में नीचे बचा है। अगर थोड़ा बहुत बचेगा भी तो इसको दिन में करना पड़ेगा। तो अपन दूसरे खेत में बस वाल खोलना रहेगा अपने को, तो उसमें रात भर मोटर चला करेगी अपनी। तो यहाँ हो जाएगा मेरे हिसाब से 2-3 घंटे, अभी 4-1 बज रही है। ये वाले खेत होनों में अपन पानी छोड़ेंगे, ये 8 बीघा है और 8 बीघा पास में इसके तो 16 बीघा है, ये इसको भी पूरी पिलाना है। इसमें भी दूसरा ही पानी चलेगा, एक बार पिला दिया था और बारिश हो गई थी, और इसमें भी अपन ने डबल यूरिया दिया है और ये भी तेजस गेहूँ है, बढ़िया शानदार हो रहे हैं, देख सकते हो इधर भी और इधर भी। और अपने को उधर पाइप करना है, चलते हैं नदी में नीचे देखते हैं। इसमें दवा भी उड़ा दी है 240 और सब अटाला मर गया है, देख सकते हो पीला पड़ गया है, मर जाएगा, अब कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर था बहुत इसके अंदर। और गेहूं तो एकदम शानदार हो रहा है अभी। तो इधर पाइप बिछेंगे अपने, नीचे से नदी में से पानी ऊपर आएगा और अपना बेंड नीचे है, ये रोल तो यहीं पे पड़े हुए हैं, बाकी ऊंचा नीचा इधर उधर खेत है, तो एक पार्ट यहाँ पे है तो एक पाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको खींच के इधर ऊपर करना है अपने को। और ये कुआं भी भरा है, अभी तो भरा ही होगा, खाली नहीं हुआ होगा, देखते हैं। देख सकते हो भरा हुआ है कुआ, इसमें मोटर वोटर डाल देनी और पास में ही नदी है कि वाले बेंड से अपने को बिछाना है पाइप ऊपर। और नदी भी हो गई है कम, देख सकते हो पूरी सुखा दी है, थोड़ी बहुत झिरपन चल रही है बस। और ये अपना पाइप डला हुआ है वहाँ से वहाँ तक 4 इंची, तो इसको भी पिलाना है अपने को और इसको भी, 8 बीघा हो ये और 8 बीघा ये, तो पाइप करते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ चलेगी अपनी मोटर और यहाँ से इधर पानी आखिरी तक पूरा खेत पी जाएगा ये तो, और ये यहाँ से आधा खेत पिएगा और फिर उधर से पाइप बिछाना पड़ेगा फिर नीचे। तो अभी अपन इधर छोड़ेंगे पानी रात में, और ये सरी भी बहुत लंबी है, कई दिक्कत नहीं। पाइप तो अपन ने कर दिए है और अब चलते हैं वापिस वो वहाँ पे उधर वाले खेत के पास में, ये खेत छोड़ के वहाँ चल रही है अपनी मोटर। अच्छे नीचे अपना खेत रह जाएगा आज, इसको कल करेंगे ऐसे भी अगर होता है, जब तक शाम नहीं होती जब तक चलाएंगे इसमें मोटर, क्योंकि ये थोड़ा ढालू हैगा और उधर तो अपनी लहसुन बोई भी है और उधर भी गेहूँ है और इधर ऊपर तो हो जाएगा, हो गया है इधर और इधर भी हो गया है, देख सकते हो ये इधर चल रही है मोटर और इधर रह जाएगा, इसको कल करेंगे वहाँ।